देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी रविवार सुबह 11 बजे परिवार सहित मतदान करने पहुंचेंगे। नेगी को पहले उनके घर से सरकारी गाड़ी से कल्पा चौक तक लाया जाएगा। यहां से आगे व्हील चेयर पर कल्पा के बूथ नंबर 51 तक पहुंचाया जाएगा। यहां से प्रशासन की ओर से ढोल नगाड़ों के साथ उनको पोलिंग स्टेशन तक लाया जाएगा। कल्पा महिला मंडल की ओर से पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर उनका स्वागत किया जाएगा। स्वीप प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जाएगा। जिला संपर्क अधिकारी किन्नौर गंगा नेगी सुबह 10 बजे श्याम शरण नेगी के उनके घर से सरकारी वाहन में लाएंगे। पोलिंग बूथ 51 को जिला प्रशासन ने मॉडल पोलिंग स्टेशन घोषित किया है, जिस स्कूल में मतदान केंद्र बनाया गया है वह 1890 में एक अंग्रेज दंपति ने बनाया था। श्याम शरण नेगी के 3 बेटे हैं, जिनमें डब्ल्यू नेगी बैंक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके 2 बेटे ओम प्रकाश नेगी और चंद्र प्रकाश नेगी बागवान हैं। पहले मतदाता के स्वागत के लिए जिला प्रशासन की ओर से डीसी गोपाल चंद, एसडीएम कल्पा सुरेंद्र चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। मतदान के बाद उन्हें वाहन से घर तक पहुंचाया जाएगा। देश के सबसे पहले वोटर श्याम शरण नेगी हाल ही में 102 साल के हुए हैं। वर्ष 1917 में हिमाचल प्रदेश के कल्पा के चिन्नी गांव में जन्मे श्याम शरण नेगी ने अक्टूबर 1951 में पहली बार अपने चुनाव में वोट डाला था। हालांकि देश में पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे, लेकिन कल्पा में भारी बर्फबारी की आशंका के चलते 5 महीने पहले ही वोटिंग हो गई थी। उन्हें देश का पहला वोटर माना जाता है।